लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बीजेपी को 50 सीट पर समेटने वाले चैलेंज पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा दिल्ली जाएंगे। गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश पर कसा तंज, अकेले कभी चुनाव लड़े नहीं और पीएम को क्या हराएंगे। ललन सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा जहां से शुरू हुए थे वही पहुंचा देंगे। नीतीश कुमार के पीएम उम्मीदवारी पर उपेंद्र कुशवाहा ने कह दी बड़ी बात। कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली, केंद्र सरकार पर लगाए कई आरोप। कॉल गर्ल प्रकरण में डीआईजी शिवदीप लांडे ने 36 घंटे में मांगी रिपोर्ट। सासाराम में लालू तेजस्वी के करीबी राजनेता की गोली मारकर हत्या। रोहतास में वाटरफॉल की तेज धार में फंसे 6 पर्यटक को निकाला गया सुरक्षित। बिहार के 16 जिलों में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना। अब खबरें विस्तार से। राजधानी पटना में जदयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक खत्म होने के बाद सीएम नीतीश ने कहा कि उनका लक्ष्य सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना है। सभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो केंद्र सरकार के खिलाफ सफलता हमें जरूर मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली दौरे पर वे 4 पार्टियों के नेताओं से बातचीत करेंगे। हालांकि इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि 2014 और 2024 के देश के माहौल में काफी अंतर है। देश भर की विपक्ष पार्टियां अगर एक साथ आ जाए तो बीजेपी को 50 सीटों पर रोका जा सकता है। वहीं सीएम नीतीश के इस बयान पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में कहा कि राजनीतिक दलों को अधिकार है कि वो विपक्ष की पार्टियों के खिलाफ बयानबाजी करें। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 15-20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री है। 2010 में जदयू ने 85 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन आज उनकी पार्टी के 43 विधायक हैं। गिरिराज सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आज तक जदयू कभी अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में नहीं उतरी और बात की जा रही है पीएम मोदी को हराने की। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2 सीट से शुरुआत की थी और अगले लोकसभा चुनाव में वहीं पर पहुंच जाएंगे। वहीं ललन सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस बार बिहार की 40 में से 40 सीट महागठबंधन को मिलेगी। वहीं अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर भी हमला बोला है और कहा कि देश भर में और बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने का प्रयास करेंगे। बिहार के लोग सतर्क हैं, उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। बिहार में बीजेपी का साथ छोड़ आरजेडी के साथ सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बनाकर दिखाया जा रहा है। पटना में जदयू दफ्तर के बाहर उनके समर्थन में पोस्टर लगाए गए। इतना ही नहीं, सहयोगी दल आरजेडी ने भी इसका समर्थन किया है, लेकिन जदयू में इसको लेकर नेताओं की अलग अलग राय देखने को मिल रही है। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश के पीएम उम्मीदवार बनने की बात को नकारा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनका नाम विपक्षी दलों को एकजुट करना है, ये विपक्षी दल ही तय करेंगे कि उनका नेता कौन होगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, साथ ही महंगाई पर भी जमकर घेरा। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस में आना और जाना मुश्किल है, लेकिन यहां टिक पाना बहुत कठिन है। हालांकि इस रैली से पहले अधीर रंजन चौधरी के समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर रामलीला मैदान छोड़ दिया। अधिरंजन बंगा भवन से कांग्रेस मुख्यालय तक मार्च निकाल रहे थे। मधेपुरा में कॉल गर्ल प्रकरण में कोसी क्षेत्र के डीआईजी शिवदीप लांडे ने पूरे मामले की जांच का आदेश दे दिया है। जांच की जिम्मेदारी सुपौल एसपी को दे दी गई है। सुपौल एसपी के नेतृत्व में टीम पूरे मामले को देखेगी। आपको बता दें कि जांच टीम में डीएसपी और एक इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को रखा गया है। वहीं इस जांच टीम में महिला थाना सहरसा की पुलिस अवर निरीक्षण को भी रखा गया है। डीआईजी ने 36 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश जारी किया है। लालू और तेजस्वी यादव के करीबी आरजेडी नेता और पैक्स अध्यक्ष विजेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना जिले के करगहर पंचायत की है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीण पुलिस से भिड़ गए। आपको बता दें कि विजेंद्र यादव पिछले 3 दशक से लालू परिवार से जुड़े थे। घटना के संबंध में पुलिस का कहना है कि जब वो कुछ मजदूर के साथ धान की खेत में पहुंचे तो वहां पहले से घात लगाए अपराधी उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
रोहतास में मूसलाधार बारिश के कारण कैमूर की पहाड़ी नदियों में बाढ़ की स्थिति आ गई है। ऐसे में पहाड़ी नदियों से निकलने वाले झरनों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। मामला तुतला भवानी का है। यहां मूसलाधार बारिश होने के कारण करीब आधा दर्जन पर्यटक बाढ़ के पानी में फंस गए और किसी तरह उनको मंदिर कमेटी के लोगों ने रेस्क्यू कर निकाला। दरअसल तिलोथू के तुतला वाटरफॉल का रौद्र रूप देखने को मिला। इस दौरान कई लोग पानी की तेज धार में फंस गए थे। हालांकि सभी को रस्सी के सहारे किसी तरह निकाला गया। बिहार में अगले दो दिनों तक वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने सूबे के 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज में वज्रपात के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं राज्य के दक्षिण हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही राजधानी पटना में भी बारिश होने की संभावना है। तो फिलहाल के लिए नाइट बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।